दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार कार्ड की पर्ची से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत नहीं होगी, आप बिना आधार कार्ड नंबर के आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएँ। दोस्तों आधार पर्ची से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा UIDAI.gov.in और उसके बाद इसे सर्च करना होगा। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड्स आधार का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर में डाउनलोड्स आधार के ऊपर में, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे आधार कार्ड डाउनलोड करने का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले आप आधार नंबर से भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इनरोलमेंट आईडी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप इनरोलमेंट आईडी से भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास इनरोलमेंट आईडी और आधार नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे वर्चुअल आईडी से भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इनरोलमेंट आईडी से कैसे आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि अपने रिसिप्ट से, यानी कि आपके पर्ची, जो आपको आधार कार्ड बनाते टाइम आपको एक पर्ची दिया गया है, उस पर्ची से आप अपने आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसमें आपको क्लिक करना है इनरोलमेंट आईडी के ऊपर में, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आपका इनरोलमेंट आईडी नंबर है उस पर्ची में आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर 14 डिजिट इनरोलमेंट आईडी को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पे चलिए मैं अपना इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। इनरोलमेंट आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे एक कैलेंडर का ऑप्शन दिखेगा, इसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कैलेंडर खुल के आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, आपके रिसिप्ट में जो डेट और टाइम रहेगा उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना डेट और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए कुछ इस प्रकार से, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आपके रिसिप्ट में जो डेट और टाइम रहेगा उसी को देख देख के यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे में दोस्तों आपको एक सिंपल सा कैप्चा मिलेगा, इस कैप्चा को यहाँ पे आपको सही सही फिल कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन दिखेगा, इसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी के ऊपर में, तो आपके मोबाइल में दोस्तों एक ओटीपी आएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्विक सर्वे करना है। तो यहाँ पे यस के ऊपर में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे में और एक क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे आपको मोर देन 15 डेज के ऊपर में टिक करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वेरीफाई एंड डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, इसी के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वेरीफाई एंड डाउनलोड्स के ऊपर में, तो आपका यहाँ से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, और प्रोसेसिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। लेकिन दोस्तों इस पीडीएफ को खोलने के लिए भी यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड क्या डालेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपका नाम का 4 लेटर्स, पहले का 4 लेटर्स यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे धर्मेंद्र है, तो यहाँ पे मेरा 4 लेटर्स DHAR इस प्रकार से आपको भी लिखना है, आपका जो भी नाम रहेगा। इसके बाद आपका जो बर्थ ईयर होगा, आपके आधार कार्ड में जो बर्थ ईयर रहेगा उस बर्थ ईयर को यहाँ पे आपको टाइप करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको डन करना है। तो जैसे आप यहाँ पे डन करेंगे तो आपका यहाँ पे आधार कार्ड खुल के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे आधार कार्ड खुल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने आधार कार्ड की पर्ची से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।